अच्छा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी आईटी कंपनी की जिसमें आज लगभग 5% से भी, लगभग आप कह सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट हो रही है, और एक समय वो गिरावट 5% से भी ज्यादा थी दोस्तों। ये स्टॉक आप कह सकते हैं एक समय तेजी भी दिखाया था, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने, एक आप कह सकते हैं अगर पिछले एक महीने में देखो तो बीच में 9-10% भी भाग चुका था दोस्तों। लेकिन अब स्टॉक में वापस से गिरावट हो रही है, तो कहाँ ये जाके थम सकती है, कौन से लेवल्स हैं और एनालिस्ट क्या कहते हैं स्टॉक में, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और उसका शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। लगभग 5% के आसपास की गिरावट है, और एक समय आप देखेंगे तो स्टॉक, ये देखिए एक समय स्टॉक बहुत भयंकर किस्म की गिरावट दिखा दिया था, ठीक है। और देखिए जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है ना, आप देखिए 2197 थी, यानी 2200 प्रीवियस डे क्लोजिंग थी 2200, और आपको ये स्टॉक अभी देखे तो 2100 के आसपास मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। लगभग 5% आपके सामने सामने स्टॉक में और गिरावट हो रही है। देखिए जो यूएस का इन्फ्लेशनरी डेटा आया ना फ्राइडे को, उसने कमर तोड़ के रख दी पूरे बाजारों की, यूएस की। और अब प्रॉब्लम ये रह रही है कि लगातार जो जो आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है वह बढ़ते ही चला जाएगा, और ऐसे में आप यकीन मानिए कि ये जो स्टॉक्स हैं, जो आप एम्फेसिस हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो स्टॉक्स हैं वो, जो कि जिसमें यूएस में भी उनका एक्सपोजर है और जो आप कह सकते हैं आईटी कंपनी में, उनमें बड़ी गिरावट हो। क्योंकि देखिए जो जाइंट कंपनीज होती है ना, जैसे इंफोसिस, विप्रो, वो सब तो गिरावट दिखा ही रही है, लेकिन वो ये तमाम जो गिरावट है उससे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या कैश है, सब प्रॉब्लम इश्यूज है। प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी स्टॉक थोड़े भाग चुके थे, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में एक गिरावट जो फेस चला था, आप देखें 1900 के आसपास गया था स्टॉक, वहां से स्टॉक्स आप देखें तो शानदार रैली कर चुके हैं लगभग 20-20% की। और अब लोग, क्योंकि लगा था भाई अब क्या है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, अब इन्फ्लेशन कम होगा, तो जो प्रॉब्लम शायद थोड़ी शॉर्ट आउट हो, लेकिन वो होती ही दिखाई नहीं दे रही। और अब इसीलिए वापस से एक गिरावट का सिलसिला जारी है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो स्टॉक्स हैं एम्फेसिस और ये सब, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा ऐसे स्टॉक्स। और देखिए एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं, आप देखिए इधर सिटी मेंटेड सेल रेटिंग ऑन एम्फेसिस विद टारगेट प्राइस ऑफ 1705। जी हाँ दोस्तों, सिटी जो है, सिटी ग्रुप, वो भी कह रही है भाई साहब इसको सेल करो, 1705 का टारगेट दे रही है। द ब्रोकरेज इन इट्स इंटरेक्शन विद कंपनीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एम्फेसिस डील टीसीपी टू रेवेन्यू कन्वर्जन इज स्लोइंग इन करंट मैक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। इसीलिए इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और सिटी ने ये भी कहा है, द ओवरऑल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव आफ्टर फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल, इट गाइड मार्जिन रेंज बिटवीन 15.25। चार क्वार्टर के बाद दोस्तों चीजें थोड़ी ठीक होती दिखाई देंगी, और जो मार्जिन रेंज है वो 15.25% टू 17% की बात कही जा रही है दोस्तों। तो इसीलिए यदि ऊपरी स्तरों पे है तो थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो यहां लिखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।